श्री रामचंद्र की जय। धोबी, जो बातें तूने वहां कही थी वही बातें तुझे यहां कहनी होंगी। मैं तो महाराज, मैं मेरे सामने तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं, जो कहना है स्पष्ट कहो। अन्नदाता, इस स्त्री के कारण धोबी समाज में मेरी नाक कट गई। कैसे? ये मेरी आज्ञा के बिना दो रात घर से बाहर रही। देवी, तुम्हें इस भूल के लिए अपने पति से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं इसे जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा। क्षमा नहीं करोगे, इसका कारण? मैंने ही नहीं, सारे धोबी समाज ने संदेह किया है। प्रमाण के बिना संदेह व्यर्थ होता है, और नारी के चरित्र पर बिना प्रमाण के लांछन लगाना मेरी दृष्टि में घोर अपराध है। अपराध का प्रमाण मिल जाने पर नारी को ग्रहण करना क्या पाप नहीं? ये तो राज मर्यादा पर कीचड़ उछाल रहा है। कीचड़ उछालना नहीं, कीचड़ धोना मेरा काम है। तुम अपने अधिकार से बढ़कर बातें कर रहे हो। लेकिन बात सच कह रहा हूँ। शांति। राम राज्य में समानता और विचार स्वातंत्र का अधिकार सबको प्राप्त। आप लोग भले ही मुझे मार डालिए, किंतु मैं पूछता हूँ कि दुश्मन के घर में रही हुई पत्नी को आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जो स्वीकार करेंगे? बोलिए बोलिए। आज राजा और प्रजा दोनों का न्याय होगा। लंका में सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। उसे अयोध्या वासियों ने नहीं देखा क्या? अयोध्या की प्रजा को सीता के प्रति अविश्वास है। आपकी आंखों में ये आंसू, इसका कारण? मुझे सीता का त्याग करना होगा। त्याग? राजरानी सीता का त्याग? उनका दोष? उसका दोष यही है कि वो बिल्कुल निर्दोष है। फिर भी आप उनका त्याग करेंगे? क्या करूं लक्ष्मण, अयोध्या वासियों को रावण के यहां रही सीता पर संदेह है। संदेह है? अयोध्या वासियों को उन पर संदेह करने का क्या अधिकार है? राजा का जितना अधिकार प्रजा पर होता है, प्रजा का भी उतना ही अधिकार राजा पर होता है। अयोध्या वासियों के संदेह के समाधान के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही होगा। लक्ष्मण, कल सीता को वन में ले जाओ। नहीं नहीं भैया, मुझसे आपकी इस कठोर आज्ञा का पालन नहीं होगा, नहीं होगा। लक्ष्मण लक्ष्मण, यह परीक्षा का समय है, पत्थर की तरह कठोर बनो। नहीं, मुझसे नहीं होगा आर्य, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। तो क्या मैं मान लूं, आज से लक्ष्मण अपने भाई राम की आज्ञा का पालन नहीं करेगा? भैया, तो कल प्रातःकाल सीता को वन में छोड़ो। आदर्श के बिना जीवन व्यर्थ होता है लक्ष्मण। आदर्शमय जीवन भी कभी कभी व्यर्थ होता है। आज महाराज से कोई नहीं मिल सकता। क्यों? उनकी ऐसी आज्ञा है। मैं भी उनसे नहीं मिल सकती? पुजारी अपने देवता से नहीं मिल सकती? क्यों, क्या बात है? महाराज राम से आज कोई नहीं मिल सकता। महारानी, तुम्हें मालूम नहीं, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे बन जाने का प्रबंध किया है। स्वामी शायद इस बात को भूल गए हैं। तुम जाके उन्हें सूचित करो, वो दौड़े आएंगे। जाओ।
शीघ्र सूचित करो। कैसे सूचित करूं महारानी, उन्होंने द्वार बंद कर लिया है। हृदय का द्वार तो नहीं बंद किया। आर्य स्वामी द्वार खोलिए, स्वामी द्वार खोलिए, स्वामी स्वामी सचमुच द्वार बंद कर लिया है। राघव प्रजा की भलाई के ध्यान में ऐसे डूबे हैं कि उनको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती। बड़ी विचित्र है ये राज मर्यादा। इससे तो कहीं अच्छा था हमारा वो वनवास का जीवन, वहां राघव केवल मेरे थे, यहां सारी प्रजा के हो गए हैं। महारानी महारानी रथ तैयार है।